नमस्कार आपण देखुछन्ती टॉप 5 रा प्रथम बड़ खबर आईएफएस अभयकांत पाठक आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल मामलें बापा अभयकांत एवं पुआ आकाश पाठक गिरफ्त करिछि विजिलेंस विभाग उभयू स्वतंत्र विजिलेंस कोर्ट में वर्तमान हाजर कर उभयू रिमांड आवेदन करिबा विजिलेंस एवं किछि समय तले अभयकांत पुआ आकाश और ड्राइवर को कैपिटल हॉस्पिटल रे स्वास्थ्य परीक्षा करा वर्तमान गिरफ कर तेज कैपिटल हॉस्पिटल रे जितेबले स्वास्थ्य परीक्षा करते अभयकांत प्रतिक्रिया कहते कौन ठकई होनी सबू ठीक अच्छी समय आसिले समस्त कागजपत्र तदंतकारी संस्था को देवे विभाग कौन अर्थ हेरफेर करना अभयकांत ता छड़ा पुओर मासिक दरमा 1 कोटी थिला तेणु पैसा नुहे पुओ निज पैसा अयस करुला तेरे वर्तमान जो बड़ खबर से अभयकांत पाठक एवं पुआ आकाश पाठक गिरफ होती गिरफ कर विजिलेंस विभाग एवं स्वतंत्र विजिलेंस कोर्ट में उभयू हाजर कर उभयू रिमांड में नहीं जेरा करने आवेदन कर विजिलेंस विभाग अंधा हेले बाप पुआ बापा अभयकांत पाठक एवं पुआ आकाश पाठक वर्तमान गिरफ होती विजिलेंस विभाग द्वारा और वर्तमान से विजिलेंस कोर्ट में हाजर कर उभयू रिमांड में नहीं जेरा आवेदन कर विजिलेंस टीम स्वतंत्र विजिलेंस कोर्ट में हाजर कर रिमांड में नाप आवेदन कर विजिलेंस टीम और स्वास्थ्य परीक्षा से आज कर आकाश अभयकांत ड्राइवर को कैपिटल हॉस्पिटल में स्वास्थ्य परीक्षा कर वर्तमान अधिक सूचना देवाई अच्छा आम प्रतिनिधि सुमंत सुंदराय सुमंत बापा पुओ गिरफ होती यार परवर्त पर्याय कौन जदि आम कहीपर कि दुई जन को गिरफ करवर्तमान जहां बर्तमान तालिका रही विजिलेंस पाखे जे 20 कोटी टंकार माप संपत्ति जदि आम कह पुनर फ्लाट कथा एवं एटी मध्य पुआ अकाउंट रे 9 कोटी ऊर्ध टंका हेउ एवं तार भितर रही मोटामोटी 20 कोटी टंकार संपत्ति ड्राइवर ठू आरंभ कर एपटे पुतुरा लक्षाधिक टंका मध्ये तक जमा रही है ए सबक बर्तमान खोलताड़ करुछि विजिलेंस एबे कथा होउछि जे चेर लंबी केते बाट कारण जते खोलुछि विजिलेंस सेते बर्तमान कोटी कोटी रे बर्तमान स्कैम बाहरुछि तेणु एक धरिया पई बर्तमान विजिलेंस रिमांड रे नबो स्वतंत्र विजिलेंस कोर्ट रे मानको हाजर करा जाय पर मध्ये विजिलेंस या पर मध्ये रिमांड रे आवेदन रिमांड रे नबा पई आवेदन करिवो एवं तापरे बाहर परवर्ती कोठी कोठी चेर लंबी कोठी नेक्सस थिला कोठी डील थिला एवं को मानक असाधु कारबार रे आउ को माने संपुक्त थिले ए संक्रांत रे खोलताड़ जारी रहिबो कारण जतेबेले गोटे पटे ड्राइवर आयस करथिला पुत्र आयस करथिला पुओ मध्य ऊपर उड़ुथिला बापा ऊपर उड़ुथिला एवं माटी आउ गोड़ लागु नथिला तनु एही आधार जदि हम देखिबा कि मोटामोटी भाव रे आज जतेबेले निजे कहिसेंति अभयकांत तांको पुओंको नार रहिछि कोटिए टंका मासु कोटिए टंका पांती विजिलेंस रे जे अछंती डीआई जे अछंती एवं एसपी अछंती ताकू दुईटी चारोटी टेबुल करथिले दुईटी टेबुल दुई जन बसथिले एवं एपटे मध्ये चारि जन बसथिले प्रश्न थिला जे कोटिए टंका पुओ पाइला केमती कोठु आणे एवं केते टंका इनकम करे तनु से उत्तर मध्य से देइ पर नथिले ड्राइवर को पचरा जाइथिला जे 20 लाख टंका कहार से कहिथिला बड़ बाबू अर्थात अभयकांत कर एवं सान बाबू को मध्ये पैसा रहिछि पुआ आकाश कर तेणु से टंका ने कहार एवं से कोठु आणिले ता मध्ये कहि पर नथिले अभयकांत एवं पुआ आकाश एवं सेपटे मध्ये पुत्र पत्र जाइथिला जे 50 लाख टंका आनी किए एवं कोभली आधार रे एसब को विनियोग करुछ बा कोठ आनी तेणु से उत्तर दे पारे एमती थी मोटामोटी प्रश्न एपटे अभयकांत जो भाव में एत टा हड़प कर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रे काम करुते तेणु से नहीं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रो जो अधिकारी मैं अच्छा जो नेक्सस रही अनेक लोकों सहित तेणु से नहीं कि खोलताड़ जारी रही है सुमत आश्चर्य कथा एत सबू जिते आज अभयकांत हेरकांकर स्वास्थ्य परीक्षा करागला से कहले कि सबकि ठीक अच्छे समय आसिले आम तथ्य दबू तो यू एवं सहित कही 1 कोटी टंका पुओर रोजगार करसिक दरमा तो यह सब कुछ से जो प्रतिक्रिया रखी है कौन आसू प्रतिक्रिया जदि आम कहीपर कि जितेबाद निजे अभयकांत आज कैपिटल हॉस्पिटल को आसते पुआ आसते आकाश आम घेरुल प्रश्न करूँ जो प्रकृत में कहीं विजिलेंस आपन को अरेस्ट करते टा आसे कौटू तेनाली से कहे मुझे सब कह पुअर दरमा होसक कोटीए कितु कोटीएर हिसाब से क्या दे पारे ना विजिलेंस को कही देवाई विजिलेंस प्रश्न करता तार से उत्तर दे पारे ना कि कथा हूँ मुंबई दिल्ली पटना एवं राजस्थान उदयपुर सबुठी फ्लाट रही सबुठी कुबरपुर रही सबुठी अपार्टमेंट रही आउ गोटे कथा हूँ रही फार्म हाउस रही तेणु एत कोटी टंका जन सरकारी अधिकारी एत कोटी टंकार मालिक होगा ए न्याय तिहार समस्त को स्तंभीभूत करी तेणु विजिलेंस जो जोटी हाथ मारू ड्राइवर पाखक गला सेपटे पुत्र पाखक गला आकाश पु आकाश पाखक गला सबुठी कोटी टंका बर्तन जमा होती लक्षाधिक टंका जमा होती तेणु कथा हूँ एत टंका कौ सोर्स से आणती जिते बंगल विभाग में कम करुते भाव में एत मात्र
संपत्ति पाखु केमी आसला से संक्रांति बर्तन खोलताड़ जारी रही कि आशा कर विजिलेंस रिमांड रे आने पर आउ कौ कौ अधिकारी मैंने संपुक्त अच्छा कौ व्यवसायी मैंने संपुक्त अच्छा पदाक आसो कि सुमत आश्चर्य कथा सरकारी चाकरी आढ़ुआल जड़े कोटी कोटी टंका रोजगार करुचे किंतु केही भी जानी पारु नाती जे कि आमे लगातार मध्ये प्रश्न अन्य मानकु पचारुचे कथा ला कि सरकारी कलर अपव्यवहार करा जाउचे किंतु आरंभ रु एरो खोलताड़ करा जाउनी काहे कि निहाती भाव कारण जिते सरकारी कल से जो मैंने काम करापर अच्छा कर्मचारी अधिकारी अच्छा अफिसर अच्छा बाकी अनेक अनेक अच्छा असाधु अफिसर तेणु से असाधु अफिसर मैंने पूरा संपूर्ण सिस्टमटा को अकामी कर बेनियम ढंग से परिचालित करती जो टंका आसे लोकों पर जो जो टंका आसे समाज मंगल पर जो टंका आसे विकास निज से आत्मसात करती विशेष कर जो 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 बाटे टंका खर्च होगा कथा से टंका खर्च नक कागज पत्र मैंने हिसाब दे दिखती सरकार को सरकार को संतुष्ट कर दिखती कागज पत्र सब ठीक ठाक अच्छी वास्तव भी से टंका ठिकना ढंग से खर्च हुए टंका सेजे आत्मसात करजे अयस कर तेणु परवर्त समय गोटे पर गोटे तथ्य पदाक आसे कि कथा होते अनेक मैंने संपुक्त था कि जो व्यक्ति विशेष संपुक्त था तेणु से आरेस्ट हूँ रिमांड आसती पुणी जेल रु बाहर पुणी से कला कारनामा करती एमती कलाकारा बुले कि कथा वर्तमान समस्त नजर रही जो अफिसर मानक गिरफ्त बाप पु पु तो जाणी अयस करुला बाप पूरा लुटी बाप पु 420 संपूर्ण भाव में लुटी तेणु समस्त नजर रही 150 जन अफिसर एर नियोजित होती इनक्वारी करेणु समस्त नजर रही गोटे सत्य सामना को आसो तेणु एभली फ्यूचर में किभली भाव में अफिसर मैंने काम न करेंगे तेणु से नहीं कि सतर्क घंटी धन्यवाद सुमंत वर्तमान सूचना पाई तेज 150 जन अधिकारी लगी परवर्त पर्यायर पुओ को बापा को गिरफ्त कर रिमांड में नाप विजिलेंस आवेदन कर रिमांड में पचराउचरा जेरा कर संपत्तिर खोलताड़ कर बेनामी संपत्ति कहीपर खोलताड़ होवर्त पर्यायर हूं तो बेल रे भी आसीपारती कि कौन हो आगक रूपरेख परवर्त पर्यायर ही जमापड़ तेज बर्तमान हेराफेरी को नहीं कौन कहते अभयकांत पाठक आसतु शुणी मंथली 1 करोड़ सैलरी अच्छे विधानसभा सम्मुखरे तीन चाषी आत्माहुति उद्यम आठगड़ तीन जन चाषी किरोसिन ढाली आत्माहुति उद्यम करते विधानसभा सम्मुखरे एवं से समय से काबू कर पुलिस तेज जहां सूचना अच्छी आठगड़ पांचु छह जन चाषी आसते और अभोग करे समवाय बैंक लोन नि कि लोन नहीं ना ता परवर्त पर्यायर से पुलिस पाखे अभोग करते कि पुलिस तरफ कौन पदक्षेप निगला बाध्य से आज विधानसभा सम्मुखें आत्माहुति उद्यम करने को आसते किसी समय तले आम प्रतिक्रिया नुकूल आम प्रतिनिधि से जहां कह कथा पांचु छह जन चाषी आसी हठात विधानसभा सम्मुखें से किरोसिन ढाली एभली आत्महत्या आत्माहुति देवा उद्यम करते जो समय से पुलिस काबू कर समवाय बैंक लोन कहीं आनी से लोन आनी कह भी पुलिस तरफ कौन कार्यानुषान ग्रहण कर तदंत कर जो कि आज बाध्य विधानसभा सम्मुखें आत्माहुति उद्यम करने को आसी
तत्व खबर को आसवा पर हत्याकांड एसआईटी तदंत सरकार प्रस्तुत अच्छा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे बाचस्पति अवगत कराई मुख्यमंत्री नवीन पटनायक परी हत्याकांड को नहीं जदि एसआईटी तदंतर आवश्यकता पड़े तेज सरकार ए दिगरे पदक्षेप ने तुरंत एसआईटी तदंत हो मुख्यमंत्री तीन दिन धरी विधानसभा परी हत्याकांड को नहीं विरोधी हो हल्ला करते एसआईटी तदंत दावी कर आसुला कांग्रेस गृहर उद्वेग को देखी मुख्यमंत्री घोषणा कर गृह कार्य सहयोग करने विरोधी दल को निवेदन कर मुख्यमंत्री न्याय प्रदान राज्य सरकार स्वच्छ एवं निरपेक्ष तदंतरे विश्वास करती सबुबे आईन उपरे विश्वास रखती मुख्यमंत्री एसआईटी तदंत घोषणा को नहीं प्रश्न उठाई विरोधी दल मुख्य सचेतक मोहन माझी मुख्यमंत्री घोषणा स्पष्टता नहीं से क्योंठी भी कही ना जे एसआईटी गठन करागला बोली आवश्यकता पड़े एसआईटी तदंत मुख्यमंत्री तेणु बीजेपी दावी करुछि घटनार सीबीआई तदंत कराजाओ विरोधी दल नेता प्रदीप्त नायक भी समान दावी दोहराइछन्ति आउ दावी पूरण नहेबा पर्यंत विधानसभा विरोध जारी रहिबो बोली प्रदीप्त कहिछन्ति एपटे किंतु कांग्रेस विधायक तारा प्रसाद बाहिनीपति मुख्यमंत्री घोषणा को स्वागत करिछन्ति कृषि मंत्री बहिष्कार दावी कांग्रेस ओहरी नाही बोली तारा कहिछन्ति सेपटे बीजेडी विधायक अतनु सब्यसाची नायक कहते परी हत्याकांड को नहीं विरोधी राजनीति करुछन्ति मुख्यमंत्री एसआईटी तदंत संकेत देबा परे विरोधी माने आलोचना को आसीबा कथा आज अतिरिक्त बजेट आलोचना हेबार थिला प्रकृत में विरोधी दल आलोचना को आसीबा को इच्छा नहीं बोली अतनु कहते विरोधी माने राजनीति करुछन्ति बोली बीजेडी विधायक सौम्यरंजन पटनायक भी अभियोग करिछन्ति सन्देह करगान चोरी कथार लिप्त अच्छा ए घटना घटी तक मरिकी जब पा बुड़ी जाता किसी दिन पर बाहरी जाता कि योजनाबद्ध भाव में तार अर्गान बाहर करके मारी कथ जो सन्देह करा कि भावे अच्छी तार आसवर योजना भी आम लड़े लड़ू और राज्य में आईन श्रृंखला संपूर्ण विपर्यस्त ए सरकार तर मंत्रिमंडल कि सुरक्षित रहा नवीन बाबू कितनी स्वच्छ रे प्रयास कर कारण आम लोक कम से कम बार्ता देवाक चाहूँ जदि आवश्यक पड़े ताहले से घोषणा करिवे से तो कमिटी बनेबे एणु कमिटी से बनई नहांती से घोषणा करी आवश्यक हेले बोली कहिसंती भारतीय जनता पार्टी आमर जो दाबी थिला आमे स्टैंड बाय अछु जे पर्यंत मंत्री अरुण साहू को बहिष्कार करानो जाइछि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एवं सीबीआई तदंत घोषणा न करिसंती से पर्यंत आमर स्टैंड आमर दाबी दृढ़ भाव रहिबो पुलिस जेहेतु क्राइम मैन पे भरोसा नहीं अनेक केस क्राइम मैन तदंत कर तार किसी फलाफल मिलना से कांग्रेस दल दाबी करा जे एसआईटी तदंत हो जो हाईकोर्ट जज तत्वधान करूँ जोटा कि पीड़िता को जे न्याय मिल पर न्याय मिल मुख्यमंत्री जो निष्पत्ति नहीं आम निश्चित भाव ग्रहण करूँ आम दाबी था सेटा या नुह जो अरुण साहू इस्तफा को इस्तफार आम ये करू सांप्रतिक घटना संपर्क में एसआईटी द्वारा इनक्वारी करने मानवर मुख्यमंत्री घोषणा कर सारे जदि भी आउ किसी आलोचना करार अच्छी कौन सी प्रसंगे आईन श्रृंखला संपर्कित प्रसंगे से सुजोग रही डिमांड डिस्कशन तेणु से डिस्कसन करते डिमांड डिस्कसन में भाग नहीं पारे ये सबू जिनस करवा द्वारा जमापड़ी जे विधानसभा चलवाई से आंतरिकता ना और केवल राजनीति नाराबाजी करने उदिष्ट रही ये गोटे छोटिया अघटन परवर्त समय आपको पुलिस हत्या बोली कहती से कहार संप्रति अच्छी न अच्छी तदंत है सीना जहाँ पड़ो पुलिस किसी कहले कि पुलिस विषय किसी तथ्य सामना को आसिले जाए जहाँ कर मो विचार वर्तमान विरोधी दल या आगू जा प्रतिवाद रे राजधानी रे पुणी बीजेपी रो आंदोलन भुवनेश्वर जिला बीजेपी तरफ विक्षोभ करिछन्ति शताधिक कर्मी नेता बीजेपी नेता जगन्नाथ प्रधान नेतृत्व में राली दलय कार्यालय मास्टर कैंटीन दे विधानसभा अभिमुखे बाहरी परिकु न्याय कृषि मंत्री इस्तफा दाबी आलोचना आंदोलन को ओल्लाई जिला बीजेपी विधानसभा आड़क अग्रसर होता बेले पुलिस आंदोलनकारी अटकईला किसी समय पुलिस आंदोलनकारी ठेलापेला भी होता पर कतेक बीजेपी कर्मी को पुलिस भ्यान में नहीं जाता सरकार दुर्नीति सरकार ता विरुद्ध आम समस्ते अभियोग करने को आसलू
ଆମକୁ ଅଟକାଇ ଦିଆଗଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଚୁପଚାପ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଗହଳି ଦେହ ସରକାର ଶୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବାଦର ପ୍ରଭାବ କେତେ ପଡ଼ିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ, ଏ ଆହୁରି ପ୍ରଭାବୀ ହେବ। ଆମର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲା, ଆମର ବିଧାନସଭା କଥା ଉଠିଛି, ଏବଂ ଆମର ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଉଠାଇବେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର ଶେଷ ହେବନି। ତାଙ୍କୁ ମାରିଲା ପରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। 4 ମାସ ପରେ ତାଙ୍କ ମା ବାପା ଆସିକି କିରୋସିନ ଢାଳିକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ବି ପଡୁନି। ଯେହେତୁ ଆମର ଆସିକି ଯିବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଉଠେଇକି ନେଇଯାଉଛି। ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଯେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଏମିତି କୋଉ ପିଲାଙ୍କୁ ନ ହଉ, ଯେହେତୁ ତା ମା ବାପା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ସରକାର କେମିତି ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ପିଲାକୁ ଯେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ବି ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଭବନରୁ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି ଯାଏଁ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କରିଛନ୍ତି, ପରେ ପୋଲିସ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ତଦନ୍ତ ଯିଏ ବି କରୁ ଫୌଜଦାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ତଦନ୍ତ ହେଉ ବୋଲି ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ନୟାଗଡ଼ ଆଇଆଇସି ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିଥିବାରୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ଦଳ। 6 ମାସ ହେଲା କାହିଁକି ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା ଯେ ସରକାର ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଏତେ ଦାବି ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଥି ଘଟଣାରେ ଯିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦରେ ରହି ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦେଇନାହିଁ, ତାହେଲେ ତଦନ୍ତ କାହା ସପକ୍ଷରେ ହେବ? ତଦନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କେବେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ? ତେଣୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ପ୍ରଥମେ ସରକାର, ନବୀନ ସରକାର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଛୁ। ଚାଷୀଙ୍କ ଜି ଦାଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ ସରକାର। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଅନୁମତି। ନୂଆ କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ପଞ୍ଜାବ ସମେତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ରାଜସ୍ଥାନ ଓ କେରଳ ଆଦି ରାଜ୍ୟରୁ ଚାଷୀମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଗତକାଲି ଓ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ ଯାଏଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଏବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଚାଷୀମାନେ ବୁରାରୀର ନିରଙ୍କରୀ ପଡ଼ିଆରେ ରହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିପାରିବେ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଜାବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂ। କହିଛନ୍ତି ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ନୂଆ କୃଷି ଆଇନକୁ ନେଇ ଚାଷୀର ଦୁଃଖ ବୁଝି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ତୁରନ୍ତ କରୁ। ଏହାସହ ବୁରାରୀର ନିରଙ୍କରୀ ପଡ଼ିଆରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଅମରିନ୍ଦର। ଚାଷୀଙ୍କ ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ଦେଖି ହରିୟାଣା ଦିଲ୍ଲୀ ସୀମାରେ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସିନ୍ଧ ବର୍ଡରରେ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ। वेलकम दिल्ली सरकार, केजरीवाल जी ने जो मेरे को पता अभी पता चला कि जो पंजाब में जा रही है खबरें, उन्होंने कहा है कि हम फार्मर के साथ हैं, हम उनको आने का इजाजत देते हैं। मोदी के लिए नहीं, मोदी के लिए नहीं, मोदी के लिए हमारे पास एक लफ्ज नहीं है। मोदी किसान का दुश्मन है, किसान विरोधी है, आज भी है, कल भी है, परसों भी है। हमने अभी डिसीजन किया है, सारे किसान भाइयों ने इकट्ठे होकर डिसीजन अभी किया है कि ग्राउंड में नहीं जाएंगे। हम ग्राउंड में चल गए फिर तो वहीं बंद हो जाएंगे। पहले पिछले 2 महीने से हम टोल प्लाजा या बॉर्डरों में बैठे हैं, कोई सुनाई हुई? कोई सुनाई? मरकजी हुकूमत के ज़रई कानून के खिलाफ किसानों का एहतजाज पिछले दिनों शुरू हुआ, जो अब और तेज़ हो गया है, ख़ास तौर पर कल से शुरू हुए एहतजाज के बाद। और भारतीय किसान यूनियन ने जो एक पुकार दी थी किसानों की कि आज वो सड़कों पर उतरेंगे, तो मेरठ में भी यहाँ पर कंकरखेड़ा बाईपास पर जटोली फाटक के पास हाईवे है, ये दिल्ली देहरादून को वाया मेरठ जोड़ता है, यहाँ पर किसानों ने इस हाईवे को जाम कर रखा है। हालांकि भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए इन किसानों की तादाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी जो यहाँ पर किसान है वो अपनी मांग को लेकर जो है वो सड़कों पर मौजूद है। और खास तौर पर यही जो है उनका मुताबिक नरेंद्र मोदी कोरोना टीका प्रस्तुति देखा को जिबे काली से पुणे स्थित सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सह अहमदाबाद रे थिबा जाइडस बायोटेक पार्क एवं हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक रो फैसिलिटी सेंटर गस्त करिबे। से टीका देखा सह समीक्षा भी करिबे। प्रधानमंत्री मोदी काली सका 9 रे प्रथमे अहमदाबाद रो सरदार वल्लभ भाई विमान बंदर रे पहुंचिबे। सेठारु फार्मा कंपनी जाइडस काटिलार जाइडस बायोटेक पार्क गस्त करिबे। ଅହମଦାବାଦ ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ସଂସ୍ଥା ନିଜସ୍ୱ କରୋନା ଟିକା ଜାଇକୋଭ୍ ଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଏଠାରେ ସେ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ଧରି ରହିବେ। ସେଠାରୁ ସେ ପୁନେ ଅଭିମୁଖେ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଅପରାହ୍ନ 12:30 ପାଖାପାଖି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନେକା କରୋନା ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକା କୋଭିସେଲ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆଉ ସେଠାରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯିବେ ପିଏମ୍।
हैदराबाद में भारत बायोटेक फार्म इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी सह मिलित भावे कोरोना टीका कोवैक्सीन रो प्रस्तुति करुछन्ती। प्रधानमंत्री एठारे प्राय एक घंटा रहिबे बोली सूचना मिली। देशर 25 लैबोरेटरी में एवं कोवैक्सीन रो तृतीय पर्याय परीक्षण चली। प्राय 26,000 स्वेच्छासेवी देह टीकार परीक्षण हो। प्रधानमंत्री गस्त नहीं अहमदाबाद अधिक सूचना देखते आम प्रतिनिधि विभू पटेल। महामारी में जाइडस कैडिला जो कंपनी है उसने एक उम्मीद जताई है कि वो कोरोना की वैक्सीन तैयार हो चुकी है और आखिरी चरण का परीक्षण है वो चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अहमदाबाद सुबह 9 बजे अहमदाबाद पहुंचेंगे। उसी के बाद जो जाइडस कैडिला का प्लांट है उसकी विजिट करेंगे, जहां जाइडस कैडिला में कोरोना की वैक्सीन की जो आखिरी चरण की प्रिपरेशन चल रही है उसी का जायजा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने से पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ का चांगोदर के जो जाइडस कैडिला का प्लांट है वहाँ पर अभी तैयारी हो चुकी है, सुरक्षा की तैयारी हो चुकी है, सुरक्षा की जांच हो चुकी है। तो प्रधानमंत्री आने से पहले यहाँ पूरी तैयारी हो चुकी है और प्रधानमंत्री कल अहमदाबाद आने के बाद जो जाइडस कैडिला का जो प्लांट है उसकी विजिट करेंगे और हो सकता है कि प्रधानमंत्री कोरोना की वैक्सीन को लेकर बड़ी जाहरात भी कर सकते हैं। कैमरामैन सागर रबारी के साथ विभू पटेल, न्यूज 18 गुजराती, अहमदाबाद। एबड़े प्रधानमंत्री को हैदराबाद गस्त नहीं अधिक सूचना देउछन्ती हम प्रतिनिधि संजय तिवारी। जो कोवैक्सीन है भारत बायोटेक का, जो हमारा इंडिजिनस स्वदेशी जो उत्पादन है, वो उम्मीद की एक बड़ी किरण है पूरे भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए। तो जाहिर तौर पर अब ये थर्ड फेज इसका ट्रायल का शुरू हो गया है और प्रधानमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं और प्रधानमंत्री उसके बाद जो ये भारत बायोटेक के MD हैं कृष्णा एल्ला, उनसे मुलाकात करेंगे। जो साइंटिस्ट हैं इस पूरे मिशन में लगे हुए, उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो वैक्सीन है ये कब तक और किस तरह से तैयार हो रहा है। तो सारी बातों का निरीक्षण प्रधानमंत्री करेंगे। तकरीबन एक घंटा भारत बायोटेक के इसी लैब में प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। वो पुणे से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से वहाँ से सीधे हैदराबाद आ रहे हैं और फिर हैदराबाद में यहाँ पर भारत बायोटेक के जो लैब है वहाँ पहुँचेंगे। काफ़ी अहम इवेंट है प्रधानमंत्री का यहाँ पर आना। मैं जैसा कि आपको बताऊँ कि कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने देश के कई जो राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात की थी और उनसे कहा था कि कोल्ड चेन जो है वो डेवलप की जाए। तो कोल्ड चेन डेवलप करना इसका मतलब है कि जो सारी वैक्सीन है वो किस तरह से लोगों तक पहुंच पाए। यानी अब हम उस फेज में आ गए हैं कि जहां उम्मीद की जा सकती है कि ये वैक्सीन अब किसी भी समय और आने वाले साल में किसी भी वक्त जो है वो लोगों के पास होगी, ऐसा माना जा रहा है। और जाहिर तौर पर जो उस उम्मीद की किरण है उसको प्रधानमंत्री का यहाँ पर जो विजिट है उसने अंडरलाइन कर दिया है। कैमरामैन नवीन के साथ संजय तिवारी, न्यूज 18 हैदराबाद। फाइव रो शेष खबर। 3 घंटा विलंब रे संपन्न होईछि महाप्रभु को दुर्लभ नागार्जुन वेश। वीर वेश रे सज्जित होईछन्ति महाबाहु जगन्नाथ, श्री बलभद्र, देवी सुभद्रा। 16 प्रकार पारंपरिक युद्धास्त्र रे सज्जित होईछन्ति श्रीजीव। सिंगा तुणीर बाघ नख खंडा भळी आयुध धारण करिछन्ति। स्वर्ण अलंकार को नहीं विवादीय परिस्थिति उपजीवारु गतकाली 3 घंटा नीति विलंबित होईथिला। भंडार मेकअप पालिया मेकअप को सुवर्ण अलंकार देबा परे से सिंघारी को हस्तांतर करबा कथा। बहु संख्या रे सिंघारी सेवायत थिबारु अलंकार गणति किए करिबो से नहीं विवाद होईथिला। एबे रत्न सिंहासन रे एते संख्यक सिंघारी सेवकक कार्य कोन बोली प्रश्न करथिले खुंटिया सेवायत, परे स्वाभाविक होईथिला परिस्थिति। समय सरे छि टॉप 5 को एट रखुछु। नमस्कार।